सुनिए, जो दुल्हन व्यभिचार में पड़ी हुई होगी, दूल्हा जब आएगा उनको छोड़कर चला जाएगा। अमेन। प्रभु सब दुल्हन को लेने नहीं आ रहा है, जो दुल्हन निष्पाप बनी रहेगी। ओ हालेलुया, जो दुल्हन निष्पाप बनी रहेगी, निर्दोष बनी रहेगी, पवित्र बनी रहेगी, यह संसार से प्रेम करना व्यभिचार है। संसार के वस्तुओं से प्रेम करना व्यभिचार है, सिर्फ स्त्री पुरुष से नहीं, संसार की वस्तुओं से प्रेम करना भी। एक वचन मैं आपके लिए कहता हूं, जल्दी से पढ़ देता हूं, वो है पहला यूहन्ना 2:15। जल्दी से पढ़ता हूं मैं आपके लिए, पहला यूहन्ना 2:15, और मैं 5 मिनट लूंगा आपका, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। पहला यूहन्ना 2:15। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो। सुनिए सुनिए सुनिए, हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? संसार की वस्तु से प्रेम रखना भी व्यभिचार के तुल्य है। मसीह जो हमारा दुल्हा है वो आ रहा है, लेकिन सबको लेने के लिए नहीं आएगा, उन दुल्हन को लेने के लिए आएगा जो निष्पाप है, निर्दोष है, जो पवित्रता में जीवन जीती है, संसार की वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ती, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखती। ऐसे दुल्हन को प्रभु लेने के लिए आएगा। हालेलुया, ओ प्रभु की स्तुति हो। समझ रहे हैं आप? शैतान ऐसी ऐसी वस्तुओं को, डिवाइसेस को, ऐसी ऐसी बातों को, ऐसे ऐसे चीजों को बना रहा है ताकि आपके अंदर से परमेश्वर को प्रेम को छीन ले, और जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता वही व्यभिचार में गिरता है। एक आखिरी बात बोलकर मैं प्रार्थना करूंगा, सुनिए, जो लोग यूट्यूब में हैं, जो लोग आप हैं, सुनिए मेरी बात को। पता है एक व्यक्ति व्यभिचार कब करता है? जब उसके जीवन में प्रेम नहीं होता, वो कहीं और प्रेम को तलाश करती है। अगर किसी को स्त्री पुरुष नहीं मिला तो कोई ना कोई वस्तु, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई डिवाइस, उससे वो प्रेम करने लगता है। एक व्यक्ति तब व्यभिचार में गिरता है जब कोई उससे प्रेम नहीं करता। यदि पति अपनी पत्नी से प्रेम ना करे तभी वो व्यभिचार में गिरता है, यदि पत्नी पति से प्रेम ना करे तो व्यभिचार में गिरती है। मैं क्या कह रहा हूं, जिसके अंदर पिता का प्रेम होगा, परमेश्वर का प्रेम होगा, वो व्यभिचार में गिरेगा नहीं। हालेलुया, जिसके अंदर प्रेम नहीं है वही व्यभिचार में गिरता है, और इसी प्रेम को संसार की वस्तुओं में आपको गिराकर शैतान आपके अंदर से परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग कर देता है। जब शैतान संसार की वस्तुओं के द्वारा आपको परमेश्वर के प्रेम प्रेम को आपके अंदर से छीन लेता है, और जब आपसे छीन लेता है तब वो आपको पाप में गिराता है, और सबसे पहले व्यक्ति व्यभिचार के पाप में ही गिरता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। मेरी बात समझ, ये इतना खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए उपवास में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें और वचन पढ़ें। सोच सोच कर, समझ समझ कर कि मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे लिए क्या उद्देश्य है, मुझे क्या कह रहा है, ऐसा सोच सोच कर पढ़ें। प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आने वाले सप्ताह में हम ये सीखेंगे कि व्यभिचार से, या जो व्यभिचार के विषय में मैंने अभी तक आपको बोला, कैसे बच सकते हैं, उसके विषय में हम बात करें। सुप्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आमेन। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, प्रार्थना करें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना करें, ठीक है? सब लोग प्रार्थना कीजिए, कुछ समय अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अगर आप अकेली जगह पे नहीं तो कहीं चले जाएं, थोड़ा शांत जगह में चले जाएं, एकांत में चले जाएं थोड़ी देर के लिए। होली स्पिरिट थैंक यू, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद। हर एक व्यभिचार की आत्मा को मैं डांटता हूँ मसीशु के नाम से। व्यभिचार करवाने वाली आत्मा मसीशु के नाम से मैं डांटता हूँ। आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पिरिट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, I rebuke you in the name of Jesus। इस समय हर एक अशुद्ध आत्मा को, हर एक व्यभिचार की आत्मा को मसीह यीशु के नाम से डांटता हूँ।
संसार से प्रेम करने वाला मन, विवेक यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, आपका हृदय शुद्ध हो जाए। यीशु के लहू को मैं आपके जीवन में अप्लाई करता हूं, यीशु के लहू को मैं आपके विवेक में अप्लाई करता हूं, आपके हृदय में, आपके मन में अप्लाई करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपका मन शुद्ध हो जाए, आपका विवेक शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू को मैं आपके जीवन में अप्लाई करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपनी जवानी को तुच्छ ना समझना, अपनी जवानी दुष्ट आत्माओं के हाथ में ना देना। पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, आपकी जवानी परमेश्वर की है, प्रभु की महिमा के लिए है, दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं, व्यभिचार की आत्माओं के लिए नहीं। इन द नेम ऑफ जीसस, फ्रॉम टुडे यू आर फ्री। हालेलुया। फ्रॉम टुडे आई डिक्लेयर यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। फादर, वंस अगेन आई सबमिट देयर बॉडी, देयर लाइफ इन जीसस क्राइस्ट नेम। हालेलुया। पिता धन्यवाद, आपके हाथों में सौंपता हूं इनके जीवन को, मसीह यीशु के नाम से। आमीन और आमीन। हालेलुया।